सौरभ, दिव्यांग, स्नेहल, तुम लोग यहाँ बैठे हो। हम सब कितनी देर से तुम सबको ढूंढ रहे थे, और ये सब क्या है? चलो उठो यहाँ से, अभी होमवर्क बाकी है, पता है ना? नहीं पापा, मैंने होमवर्क कर लिया है। हम सब होमवर्क करके ही यहाँ आए। लो बच्चों, आज तुम सब मंत्र लेखन करने आए हो तो भगवान का प्रसाद लेते जाओ। ये लो मगज के लड्डू। लड्डू, मजा आ जाएगा। अरे हरी भाई, ये सब क्या खेल रचा है? भाइयों, ये खेल नहीं, आज मेरे घनश्याम का बर्थडे है, तो मैंने घर पर अखंड मंत्र लेखन का आयोजन किया है। मंत्र लेखन का आयोजन माने? आइए थोड़ी देर बैठिए तो सही, मैं आपको सब विस्तार से सुनाता हूँ। बैठिए बैठिए। आज घनश्याम का बर्थडे है, सो आज हम सब ने लगातार 24 घंटे अखंड स्वामीनारायण मंत्र लेखन का आयोजन किया है। राजकोट गुरुकुल की शाखा श्री स्वामीनारायण गुरुकुल सूरत द्वारा ये अभियान चलाया गया है। गुरुकुल परंपरा के संस्थापक परम पूज्य शास्त्री जी महाराज ने स्वामीनारायण संप्रदाय में सबसे पहले मंत्र लेखन का प्रारंभ करवाया था। आज भी उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राजकोट गुरुकुल के परम पूज्य गुरुवर्य महंत स्वामी श्री देवकृष्ण दास जी स्वामी और उनके संतों ने अबजों की संख्या में मंत्र लेखन का आयोजन किया है। भाई, ये तो हमने पहली बार सुना कि भगवान के नाम का लेखन किया जा रहा है। और नहीं तो क्या। अरे भाई, भगवान के नाम का जप करना होता है, यज्ञ करना होता है, लेकिन ये मंत्र लेखन किस भला का नाम है? कोई शास्त्र में भी लिखा है कि भगवान के नाम का लेखन करो? नाम लिखने से क्या होता है भाई? भाइयों, हमारे शास्त्रों में ऐसे कई प्रसंग हैं कि जिसमें भगवान के नाम लिखने की महिमा बताई गई हो। लेकिन इससे फायदा क्या? देखिए रमेश भाई, हम जब माला लेकर भगवान के नाम का जप करते हैं तो कभी कभी मन भजन स्मरण में नहीं रहता, लेकिन इस मंत्र लेखन में तो
मन यहीं रखना पड़ता है। हमारा शरीर, हमारी आंखें, हमारे हाथ, हमारा मन सब उस वक्त एक मंत्र पर ही केंद्रित हो जाता है। अगर मन दूसरे संकल्प करने लगा तो मंत्र लेखन नहीं हो पाता। इसलिए भगवान के भजन का ये सबसे उत्तम मार्ग है। लेकिन आप अभी कह रहे थे कि हमारे शास्त्रों में ऐसे कई प्रसंग है कि जिसमें मंत्र लेखन किया गया हो, तो ऐसा कभी हुआ है? और हुआ है तो कब? देखिए, जब रामचंद्र भगवान रावण को मारने लंका गए, तब समुद्र पर बांध किस चीज से बांधा था? पत्थरों से। नहीं, राम नाम लिखे हुए पत्थरों से। दूसरा प्रसंग, तुलसीदास जी ने एक चोर को पत्ते पर राम नाम लिखकर नदी पार करवाई थी। हाँ 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 भाई हाँ, आपकी बात सच है, लेकिन वह तो केवल एक ही बार नाम लिखा था ना। हाँ, मगर आप सोचिए कि एक बार नाम लिखा तो ऐसा चमत्कार हुआ, तो हजारों की संख्या में नाम लिखें तो कैसा चमत्कार हो जाए। और त्रिविक्रम राजा की हनुमान जी ने मंत्र लिखकर ही तो रक्षा की थी ना। त्रिविक्रम राजा की रक्षा, ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं। भाई, हमें जरा पूरी कहानी सुनाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सुनिए। भगवान श्री रामचंद्र इस पृथ्वी पर थे, उस समय की बात है। कई राजाओं ने भगवान श्री राम का आधिपत्य स्वीकार किया था। वे सब अयोध्या को लगान भरते थे। ऐसे राजाओं में एक राजा था त्रिविक्रम। एक बार त्रिविक्रम राजा वन में टहल रहे थे, तब उनकी भेंट नारद जी से हुई। नारायण 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 नारायण। अरे नारद जी, आप? हे देवर्षि, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कल्याणमस्तु। हे मुनिवर, मेरे धन्य भाग जो आपके दर्शन हुए। हे देव, सेवक को आज्ञा करें, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। नारायण नारायण। हे राजन, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। मेरे अहो भाग्य, हे देवर्षि, इस दुनिया में ऐसी कौन सी वस्तु है जो आपको दे सकूं? लेकिन फिर भी आपकी इच्छा है तो कहिए, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। राजन, आप मुझे एक वचन दीजिए। वचन? कैसा वचन? आप कहीं भी जाए, लेकिन भगवान और ब्राह्मण के सिवा किसी के चरणों में अपना मस्तक नहीं झुकाएंगे। ठीक है नारद जी, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं भगवान और ब्राह्मण के सिवा किसी के आगे मस्तक नहीं झुकाऊंगा। कहीं पर भी जाओ, लेकिन हमारा यह वचन याद रखना राजन। जैसे आपकी आज्ञा। बस राजन, तो अब मैं चलता हूँ, लेकिन आप अपना वचन याद रखना राजन। नारायण 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 नारायण। भगवान रामचंद्र के जय। भगवान श्री रामचंद्र के जय। कौशल्यासुत भगवान श्री रामचंद्र के जय। भगवान श्री रामचंद्र के जय। अयोध्या के राजाधिराज भगवान श्री रामचंद्र के भगवान।
भगवान श्री रामचंद्र की जय। शुभम भवतु, कल्याणमस्तु। भगवान और ब्राह्मण के सिवा किसी के चरणों में अपना मस्तक मत झुकाना। नारद जी के कहे अनुसार भगवान और ब्राह्मण के चरणों में ही मस्तक झुकाना है, लेकिन विश्वामित्र मुनि तो क्षत्रिय में से ऋषि बने हैं। ऋषि है लेकिन ब्राह्मण तो नहीं ना, उसे केवल प्रणाम करता हूँ। हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल मंगल है ना? हाँ प्रभु, आपकी कृपा से सभी प्रजाजन कुशल मंगल है। राजधर्म का पालन ठीक तरह से हो रहा है? सभी अपने अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं? हाँ देव, सभी प्रजाजन वर्णाश्रम व स्वधर्म का अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। धन धान्य से सभी के भंडार भरपूर हैं। अच्छी वर्षा होने के कारण पशुपालन व कृषि कर्म भी फूले फाले हैं। बस हमारी यही इच्छा है कि हमारे राज्य में प्रजा सुखाकारी से जीवन व्यतीत करे। तो प्रभु, अब मुझे जाने की अनुमति दें। प्रणाम। हे राम, दूसरे को धर्म पालन करने को कह रहे हो, लेकिन तुम स्वयं धर्म से विचलित हो रहे हो, उसका ज्ञान है? गुरुदेव क्षमा करें, लेकिन मैंने कौन से अधर्म का आचरण किया है? राम, ये मत भूलो कि मैंने तुम्हें शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया है, दिव्य शस्त्र भी प्रदान किए हैं, वो सब भूल गए? हे गुरुदेव, वो तो मैं कैसे भूल सकता हूं? वशिष्ठ मुनि कुल गुरु हैं, तो आप मेरे विद्या गुरु हैं। विद्या गुरु कहते हो, लेकिन भरी सभा में मेरा अपमान हो रहा था और तुम देख रहे थे। हे गुरुजी, किसने आपके अपमान करने का दुस्साहस किया है? वाह, ये राम राजा हो गए इसलिए कोई हमारा अपमान करके चला जाए तो भी ध्यान नहीं रहता? गुरुदेव, आप क्या कह रहे हैं वो कुछ समझा नहीं। किस दुष्ट ने आपका अपमान किया है? त्रिविक्रम राजा ने। त्रिविक्रम राजा ने? हाँ, तुमने देखा नहीं, तुम्हारे और वशिष्ठ के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किया, लेकिन मुझे केवल हाथ जोड़कर प्रणाम किए। अगर वशिष्ठ ऋषि है तो मैं भी ऋषि हूं, मैंने भी ब्रह्म तेज की प्राप्ति की है, ये मेरा घोर अपमान है। अगर तुम मुझे अपने गुरु के स्थान पर मानते हो तो इस अपमान का बदला लो। गुरुदेव, आप मुझे आज्ञा करें कि आपके इस अपमान का मैं त्रिविक्रम को क्या दंड दूं? जो मस्तक ऋषि मुनियों के चरणों में नहीं झुकता, वो शेर शरीर पर शोभा नहीं देता। त्रिविक्रम का कटा हुआ मस्तक मेरे चरणों में चाहिए। हे गुरुदेव, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आज से 3 दिन के अंदर त्रिविक्रम का मस्तक आपके चरणों में रख दूंगा। तभी मेरे अंतर को शांति। और इस तरह राम ने त्रिविक्रम को मारने की प्रतिज्ञा की। त्रिविक्रम राजा को तुरंत ही पता चल गया कि भगवान ने मुझे मारने की प्रतिज्ञा ली है। राजा अत्यंत भयभीत हो गया, अब किसकी शरण में जाए? भगवान श्री राम से उन्हें कौन बचाए? फिर क्या हुआ? तभी त्रिविक्रम राजा की मां ने उसे कहा कि भगवान श्री राम से बचने का एक ही उपाय है, भगवान श्री राम के अनन्य सेवक श्री हनुमान जी, वही तुझे बचा सकते हैं। तू हनुमान जी की शरण में जा, वही कुछ रास्ता ढूंढ निकालेंगे। राजा त्रिविक्रम हनुमान जी की शरण में आते हैं। हरिभाई,
क्या हनुमान जी ने राजा की रक्षा की? क्या हनुमान जी भगवान श्री राम से लड़े? क्या राजा की मृत्यु हो गई? आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अब मिलेंगे। राम राम जय राजा राम राम जय सीता राम राम जय राजा राम राम जय सीता राम राम जय राजा राम राम जय सीता राम राम जय राजा राम जय राजा राम राम जय सीता राम जय राजा राम राम जय सीता राम। त्राहि माम, हे पवन पुत्र, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। लेकिन आप कौन हैं वो तो बताइए। नहीं, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करें। लेकिन आप अपना मुख तो बताइए, आप कौन हैं और किससे आपकी रक्षा करूँ? नहीं, पहले आप मुझे वचन दीजिए कि आप मेरी रक्षा करेंगे, पहले आप मुझे अभय वर दीजिए। ठीक है, जाइए, मैं आपको अभय वर देता हूँ कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। अब विस्तार से बताइए कि आप कौन हैं और किससे आपकी रक्षा करूं। हे अंजनी सुत, मैं त्रिविक्रम राजा हूँ। अरे, आप त्रिविक्रम राजा हैं? सारे राम राज्य में आपको ही ढूंढा जा रहा है। भगवान श्री राम ने मुझे भी आज्ञा दी है कि कहीं से भी राजा त्रिविक्रम को ढूंढ निकालो। हनुमान जी, मेरी व्यथा तो पहले सुनिए। हाँ, कहिए, क्या हुआ है? एक बार वन में मुझे देवर्षि नारद जी के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे एक वचन दीजिए कि मैं भगवान और ब्राह्मण के सिवा किसी के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाऊं। मैंने तो हाँ कह दी। बाद में मैं भगवान श्री राम के दरबार में गया। आप उस समय कहीं बाहर गए थे। मैं भगवान श्री राम और गुरु वशिष्ठ के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम किए, लेकिन बाजू में ही विश्वामित्र बैठे थे। तभी मुझे याद आया कि विश्वामित्र तो क्षत्रिय कुल से ऋषि बने हैं, तो मैंने नारद जी के कहे अनुसार उन्हें मस्तक नहीं झुकाया और केवल हाथ जोड़कर प्रणाम किया, और ये विश्वामित्र मुनि को अपमान लगा। हे राजन, ये आपने ठीक नहीं किया। एक तो अग्नि और ऊपर से आपने उसमें घी डाला। विश्वामित्र के क्रोध को तो कौन नहीं पहचानता। हाँ, और उन्होंने भगवान श्री राम से कहकर मेरा मस्तक काटकर उनके चरणों में डालने की प्रतिज्ञा भी करवाई है। विश्वामित्र मुनि का अपमान करने का मेरा कोई आशय नहीं था। नारद जी ने तो मुझे बराबर का फंसाया। सभी जगह पर गया, लेकिन किसी ने मेरी रक्षा नहीं की। इसीलिए आपकी शरण में आया हूँ। हे राजन, आपने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया। अगर आपको भगवान श्री राम के हाथों में सौंप दूं, तो शरणागत की रक्षा के धर्म का उल्लंघन होगा, और अगर नहीं सौंपता तो मेरा सेवक धर्म खंडित होता है। हे राजन, भगवान श्री राम अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करके ही रहेंगे। कहीं से भी उन्हें पता चल जाएगा कि आप यहाँ छिपे हुए हैं, वे यहाँ आएंगे और मैं अपने स्वामी के सामने नहीं लड़ सकता। दिन रात जिसकी सेवा करता हूँ, ऐसे मेरे स्वामी के सामने हथियार भी कैसे उठाऊं? तो क्या आप भी मेरी रक्षा नहीं करेंगे? मैं तो बड़ी आश लेकर आपके पास आया था। रक्षा करूंगा, लेकिन कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। याद आया, भगवान श्री राम शक्तिशाली है, लेकिन उससे भी कोई शक्तिशाली हो वो आपकी रक्षा कर सकता है। भगवान श्री राम से भी अधिक शक्तिशाली भला कौन हो सकता है? भगवान से भी भगवान का नाम अधिक शक्तिशाली है।
अगर उस नाम के प्रताप से भगवान श्री राम के 3 तीर व्यर्थ हो जाए तो आपकी रक्षा हो सकती है, क्योंकि भगवान श्री राम शत्रु को मारने के लिए 3 बार ही तीर चलाते हैं। अगर 3 तीर से नहीं मरता तो उसे जीवित छोड़ देते हैं। मगर शक्तिशाली से भी शक्तिशाली योद्धा को भगवान श्री राम का 1 तीर भी भारी पड़ जाता है। लेकिन मैं आपको एक मार्ग दिखाता हूं। ठीक है, याद रखना, जैसे ही भगवान श्री राम का तीर आए इसे आगे रख देना। जैसी आपकी आज्ञा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। मैं अभी पत्ते लेकर आया। राम राम जय राजा राम राम जय सीता राम राम जय राजा राम राम जय सीता राम राम जय राजा राम राम जय सीता राम राम जय राजा राम राम। हनुमान, मेरे शत्रु को कहां छिपा रखा है? बाहर निकालो उसे, मैं 2 दिन से उसे ढूंढ रहा था। मुझे क्या पता कि मेरे ही सेवक ने उसे शरण दी है। घर का भेदी लंका ढाए, बाहर निकालो उसे। प्रभु, मैं भी धर्म संकट में पड़ गया था, इसलिए ऐसा करना पड़ा। ये रहा आपका त्रिविक्रम राजा। त्रिविक्रम, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। भैया, इस राजा ने हमारे गुरु का अपमान किया है, मैं अभी इसका मस्तक काटकर गुरुजी के चरणों में डाल देता हूँ। नहीं लक्ष्मण, मैंने प्रतिज्ञा ली है तो मैं ही उसे पूरी करूंगा। त्रिविक्रम, तुमने हमारे गुरु का अपमान किया है, उसका फल भुगतने को तैयार हो जाओ। प्रभु, मैं तैयार ही हूँ। अरे, इतना साहस, क्या मरने से डर नहीं लगता तुझे? नहीं, अब मुझे किसी का डर नहीं रहा। तो देख ले राजा, अब तेरा मस्तक गया। ये क्या, मेरा अमोघ बाण अपना कार्य किए बिना वापस कैसे आ गया? हाँ भैया, आपके बाण कभी शत्रु को मारे बिना वापस नहीं आए। अब मंत्र विद्या का प्रयोग कीजिए। राम, ये क्या हो गया? क्या तुम्हारी शक्ति नष्ट हो गई? तुम्हारे 2-2 बाण व्यर्थ गए। हाँ गुरुदेव, मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि राजा के पास ऐसी कौन सी वस्तु है जो मुझसे भी शक्तिशाली है। भैया, आपने रावण जैसे रावण का वध भी 1 ही बाण उसकी नाभि में मारकर कर डाला था, लेकिन आज 2-2 बाण चलाने पर भी राजा को कुछ भी नहीं हुआ। अब अंतिम बाण बाकी है, अब तो राजा का मस्तक गया ही समझो। Hmm.
नारायण नारायण। बस प्रभु, अब बस कीजिए, आप दोनों की प्रतिज्ञा पूरी हो गई, आपके तीन बाण भी छूट गए और राजा का मस्तक भी विश्वामित्र मुनि के चरणों में गिर गया। अब कटा हुआ या जुड़ा हुआ क्या अंतर पड़ता है? हे विश्वामित्र मुनि, राजा का अपराध क्षमा करे। उठिए राजन, मैंने आपको क्षमा किया। लेकिन हनुमान, मुझे तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि राजा को आपने ऐसी कौन सी शक्ति दी थी कि मेरे तीन तीन बाण व्यर्थ गए? हे प्रभु, इसमें मेरी शक्ति नहीं लेकिन आपके नाम की शक्ति थी। मैंने त्रिव्रक्रम राजा को वड़ के पत्ते पर राम नाम लिखकर दिए थे और कहा कि जैसे ही प्रभु राम का बाण आए आप इस पत्ते को आगे रख देना। आपसे बड़ा तो कौन हो सकता है, लेकिन आज आपके नाम से राजा त्रिव्रक्रम की रक्षा हुई है। लेकिन नारद जी, आपने तो मुझे बराबर का फंसाया है। नारायण नारायण। राजन, मैंने आपको फंसाया नहीं, किंतु भगवान के नाम की महिमा संसार को दिखाने के लिए यह करना पड़ा। जिसके पास भगवान का नाम हो उसे स्वयं भगवान भी नहीं मार सकते। जहां कोई भी शक्ति काम नहीं करती वहां भगवान का नाम रक्षा करता है। मंत्र की महिमा आपको और जगत को बताने के लिए ही भगवान की इच्छा से मुझे यह करना पड़ा। नारायण नारायण। बाकी मेरे मन किसी को दुखी करने का संकल्प भी नहीं होता। आज मैं आपको मेरे नियम से मुक्त करता हूं राजन। नारायण नारायण। वाह नारद जी वाह, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। रघुपति राघव रामचंद्र की जय। वाह भाई वाह, ऐसी कथा तो हमने आज पहली बार सुनी। राम के अमोघ बाण के सामने राम नाम लिखा हुआ पत्ता रख दिया तो राम बाण भी वापस चला गया। हाँ, यही तो है मंत्र स्मरण या मंत्र लेखन का दिव्य प्रताप। स्वयं परमेश्वर भी उसे नहीं मार सकते तो दूसरे मलिन देव देवी या भूत प्रेत की तो बात ही क्या करें। इस मंत्र से तो मलिन शक्तियां भी दूर रहती हैं। अरे भाई, ऐसा कोई दूसरा प्रसंग हुआ हो तो वह भी सुना दीजिए। हाँ, वडोदरा के पास बोचासन गांव है, वहां स्वामी नारायण के अनन्य भक्त काशीदास रहते थे। उनके चाचा जंतर मंतर और जादू टोना में प्रतीति रखते थे। चाचा भतीजे में हर रोज खींचा तानी रहा करती। काशीदास को इस बात का आग्रह कि मेरे चाचा स्वामी नारायण के सत्संगी हो, और चाचा का ऐसा आग्रह कि मेरा भतीजा भी मेरी तरह जंतर मंतर सीख जाए। ऐसे में एक दिन तुझे कोई परेशान नहीं करेगा, ये दाने उसे किसी में मिलाकर खिला देना। तेरा शत्रु उल्टियां कर 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 मर जाएगा। इधर आ, इधर आ, इधर आ। तू ये पुतला ले जा
इस पुतले में मैंने तेरे शत्रु के बाल रख दिए हैं। क्या? तेरे शत्रु के बाल रख दिए हैं। तू इस पुतले को जहां सुई भोंकेगा, तेरे शत्रु को उसी जगह पर पीड़ा होने लगेगी। चाचा जी, ये सब छोड़िए और मेरा कहा मानिए। मैं आपको सच कह रहा हूँ कि स्वामीनारायण भगवान की शरण में आइए। और काशीदास, मैं भी तुझे सच कह रहा हूँ कि तू भी एक बार मेरी तंत्र विद्या सीख जा, फिर देख कैसा मजा आता है। हा? चाचा जी, आपके तंत्र मंत्र दूसरे को परेशान करने के सिवा दूसरी जगह काम आते हो तो बताइए। सारा जीवन किसी का भूत निकालने और किसी में डालने में ही बीत जाएगा। आखिर इसमें आपको अधोगति के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। ए काशीदास, तू तो अभी बच्चा है, तुझे क्या पता। मेरे वश किए हुए देव देवी और भूत प्रेत मेरा सब काम करते हैं। और ये बता कि तेरे स्वामी नारायण तेरा कुछ काम करते हैं। भगवान मुझे तो प्राप्ति करवाते हैं, वो तो सारे विश्व में कोई भी नहीं करवाता। मेरे स्वामी नारायण तो भगवान है और वे अपने आश्रितों को कभी दुखी नहीं होने देता। हाँ, मुझे पता है तू कितना सुखी है। जीते जी तो दुखी है, लेकिन मरने के बाद भी भटकता रहेगा। मैं नहीं भटकूंगा, लेकिन आप जरूर भटकेंगे। आपकी ये विद्या शायद इस लोक के छोटे मोटे काम करती होगी, लेकिन मुझे संतों और स्वामी नारायण भगवान ने सिखाई हुई ब्रह्म विद्या तो अक्षरधाम का दरवाजा खुला कर देगी। अरे हाँ हाँ, देखी तेरी ब्रह्म विद्या, पूजा कर तेरी ब्रह्म विद्या की तू। अरे हमारे संकल्प के अनुसार काम ना हो तो जीवन किस काम का। मेरी विद्या के प्रताप से मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। चाचा जी, मेरे स्वामी नारायण भगवान तो मुझे अपने अक्षरधाम में ले जाएंगे, लेकिन आपके भूत आपको कहां ले जाएंगे वो आपको पता है। हजारों साल तक आपका छुटकारा नहीं होगा। एक बात और, जहां मेरे स्वामी नारायण का नाम हो वहां आपके तंत्र मंत्र झूठे हो जाते हैं और आपके भूत प्रेत तो स्वामी नारायण मंत्र से कोसों दूर रहते हैं। ऐसा मेरे भगवान के नाम का प्रताप है। अरे देखा तेरे स्वामी नारायण का प्रताप। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो मेरे मंत्र को झूठा कर सके। हाँ, अगर आपको मेरा विश्वास ना हो तो कोई बार अपने मंत्र तंत्र का प्रयोग कर देख लीजिए। वो तो समय आने पर पता चल जाएगा। हाँ बच्चे, ठीक है चाचा जी, तो अब मैं जाऊं। लेकिन हाँ, आपको जब भी इस तंत्र मंत्र से पीछे हटने का मन हो तब मुझे अवश्य बताइएगा। जय स्वामी नारायण। और सुन, तुझे भी जब मेरी विद्या सीखने का मन हो तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, जय स्वामी नारायण। हाँ भैया, हाँ, जय स्वामी नारायण। ये काशीदास तो किसी तरह से मानता ही नहीं, अपना ही गीत गाया जा रहा है, मेरी तो सुनता ही नहीं। कहता है कि स्वामी नारायण मंत्र बहुत बड़ा है, मुझे प्रयोग करने की धमकी दे गया है।
वैसे तो एक बार मैंने उस पर प्रयोग भी किया था। मेरी शक्ति का पर्चा दिखाने मंत्र से मंत्रित उड़द के दाने भी उस पर डाले थे, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसे दाने अगर किसी पर डाले हो तो वही पर उसके 12 बच जाते हैं, लेकिन इसे तो कुछ भी नहीं हुआ था। उसकी बात में कुछ दम तो है, लेकिन जब तक मुझे पक्का प्रमाण नहीं मिलता तब तक मैं कैसे मानूं कि उसकी बात सच्ची है। काशीदास बहुत कह रहा है, तो चलो उसके मंत्र की शक्ति देख लेते हैं। आज काली चौदस का दिन है। रात के समय मुझे अपने भूतों को बलि चढ़ाने जाना है। तब इस बात की परीक्षा ले लेते हैं। अगर काशीदास सच निकला तो ठीक है, वरना उसकी कंठी मैं तोड़ डालूंगा। तो नहीं ना, सब तैयार हो गया है। वड़े, पानी का मटका, अबील, गुलाल, धतूरे के फूल, उड़द के दाने। अरे रे 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 रे, कंकु तो रह ही गया। सब कुछ तैयार हो गया है, चलो अब शमशान की ओर जाओ। अरे एक बात तो भूल ही गया, काशीदास के मंत्र की परीक्षा जो लेनी है तो मैं क्या करूं।
अंकुत के पत्ते पर स्वामी नारायण नाम लिखकर बलि पर रख देता है। स्वामी नारायण लिखा है उस पत्ते पर स्वामी नारायण। अरे रे रे, आप लोगों को क्या हो गया? तू जो नाम ले रहा है उसी के बल से ये सब हो रहा है। हम भूल से भी उस नाम का उच्चारण मत करना अब। लेकिन तुम लोग तो कितने शक्तिशाली हो और एक पत्ते से डर रहे हो। पत्ते से नहीं डर रहे लेकिन उस पर जो नाम लिखा है उससे डर रहे हैं। हाल है तो क्या तुम लोगों से भी ये नाम बड़ा है? उसकी तो बात ही क्या करें, मैं तो भगवान है और हम भूत हैं। वह नाम जा लिया जा रहा हो वह हम नहीं जा सकते। अगर भूल से भी गए तो समझो खेल खल्ला। अरे अगर तुम लोग एक नाम से डर रहे हो तो मेरा कल्याण कैसे करोगे? कल्याण? अरे अगर हम में कल्याण करने की ताकत होती तो हम अपना कल्याण नहीं कर लेते। दर दर भटकते रहना कोई जिंदगी है क्या? कोई हमें वश करता है तो जीवन भर उसका काम करना पड़ता है। हम कल्याण तो नहीं कर सकते लेकिन दूसरे को परेशान करना हो तो वो कर सकते हैं हम, मगर मरने के बाद। और एक बात और कि मरने के बाद तू भी तो हमारी जमात में ही आने वाला है। हम सब एक काम कर सकते हैं, तुझे हम हमारी जमात में
बड़ा भूत बना सकते हैं। तुम हमारा सरदार बन सकता है। बोल, बनना है ना भूत? भूत का सरदार बनना है ना? अरे पर लेकिन मैंने तो केवल परीक्षा लेने के लिए अंकुत के पत्ते पर अंकुत के क्षीर से स्वामी नारायण नाम लिखा था। अरे तुझे कितनी बार कहा कि वह नाम मत ले, तू तो हमें मरवा ही डालेगा। मत ले नाम। ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन मैंने वो नाम लिखकर बलि पर रखा तो भी तुम लोग उसे हटा नहीं सके। जिज्ञासा के कारण नाम लिखा तो भी ऐसा चमत्कार हो गया। तो जो सारा जीवन महिमा समझकर ये नाम ले उसका क्या होता होगा? उसके बात ही कुछ और है। उसके शरीर में हम प्रवेश तो क्या, उसके घर पर से भी हम नहीं जा सकते। नहीं जा सकते, उसके उसके स्पर्श किए वस्तु पदार्थ को भी हम नहीं छू सकते। मुझे तो लगा कि तुम लोगों से बड़ा कोई नहीं, मगर तुम्हारा भी दादा तो ये नाम है। सचमुच सचमुच काशीदास सच कह रहा था, मुझे कोई भूतों का सरदार नहीं बनना। जाओ, आप सभी को मेरा आखिरी बार जय स्वामी नारायण। जैसा हो गया है, कितने दिनों तक काम पर नहीं लग सकेगा। तू हमारे पेट पर लात मारता है। लो, आज तो तुम अपना बलि ले जाओ, मगर आज के बाद कभी मेरे पास मत आना। हमारा नाता यहीं पर खत्म। आज से ये सब जंतर मंतर छोड़कर भगवान श्री स्वामी नारायण की शरण ले लो। स्नान करके काशीदास के पास पहुंच जाओ और सत्संगी के वर्तमान धारण कर लो। हे भगवान, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अगर सारा जीवन यही करता रहता तो न जाने मेरी क्या गति हो। आपने मुझे बचा लिया, आपने ही मुझे बचा लिया। स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण। और इस तरह काशीदास के चाचा जी स्नान करके सुबह काशीदास के पास पहुंच जाते हैं। रात को जो प्रसंग हुआ उसका वर्णन करते हैं। काशीदास उसे संतों के पास ले जाकर सत्संगी के वर्तमान धारण करवाते हैं। तब से काशीदास के चाचा स्वामी नारायण का भजन करने लगे। वाह भाई वाह, मंत्र लेखन में ऐसा चमत्कार है। तो आज से हम भी मंत्र लेखन करेंगे। लेकिन मंत्र लिखेंगे किसमें? अगर आप हर रोज 108 मंत्र लेखन का नियम लेते हैं तो मैं आपको मंत्र बुक मुफ्त में दूंगा। गुरुकुल संस्था की ओर से भजन करने वाले और मंत्र लेखन करने वाले भक्तों को मुफ्त में मंत्र बुक दी जाती है। और वह नोट पूरी हो जाए तब? नोट पूरी हो जाने पर मेरे घर पर जमा करवा दीजिएगा। वाह, ये तो और अच्छा। बस तो आज ही आप मंत्र बुक ले जाओ और मंत्र लेखन करना शुरू कर दो। आज से हम सब हर रोज 108 स्वामी नारायण मंत्र का लेखन करेंगे। तो बोलो स्वामी नारायण भगवान की जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय।
सहजानंद स्वामी महाराज की जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय।